नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। आइए आज की तमाम बड़े खबरों की तरफ रुख करते हैं, और रुख करते हैं सबसे पहले जौनपुर की तरफ, जहां खालसा पट्टी में इंटरलॉकिंग का कार्य शुरू। जी हां, यूपी के जौनपुर जिले के खुटहन क्षेत्र के ग्राम पंचायत खालसा पट्टी गाँव में इंटरलॉकिंग का कार्य चल रहा है। ईंट की सोलिंग बहुत पहले लगी थी, जो काफी दिनों पुराना होने से खराब हो गया था। पूरे गाँव का आवागमन इस रास्ते से है, मुख्य मार्ग है, जिससे लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वह ग्राम प्रधान की देखते हुए इंटरलॉकिंग का कार्य जारी कर दिया, ग्रामीणों को आने जाने में समस्या से निदान मिल सके, जिसके लिए ग्रामीणों ने प्रधान की आभार जाहिर की। देखिए खुटहन से सुसेंद्र यादव की रिपोर्ट। इंटरलॉकिंग का कार्य हो रहा है तो इससे क्या सुविधा है आप लोग? इससे यही सुविधा है, पहले यहाँ पे जैसे खरंजा था तो वहाँ पे जैसे कहीं नीचा कहीं ऊपर वहाँ जैसे पानी लग जाता था, आने जाने में असुविधाएं होती थी। अभी फिलहाल जो ये लग जाएगा तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, मतलब आने जाने के लिए अच्छी खासी सुविधाएं हो जा रही है। तो ये हमारे प्रधान जी द्वारा ये कार्य करवाया जा रहा है। क्या नाम है? वो गांव वालों को बहुत अपार खुशी है। क्या नाम आपका? आनंद सिंह। किस गाँव से? यहीं खालसा पट्टी। पुलिस प्रशासन की दबंगई। जी हाँ, पुलिस प्रशासन की दबंगई से परेशान है आम जनता। मास्क हेलमेट चेकिंग के दौरान पुलिस की दबंगई कुछ इस तरह बढ़ गई है कि मानो आम जनता की दर्द समझ ही नहीं पा रही है। पीलीभीत के रोडवे चौराहे पर मोटरसाइकिल सवार को रोकने की कोशिश में पुलिसकर्मी ने पीछे बैठी महिला का साड़ी का पल्ला पकड़कर खींचा, जिससे वह महिला मोटरसाइकिल से गिर पड़ी, जिससे महिला को गंभीर चोटें आईं। आनंद फानंद में पुलिस प्रशासन द्वारा महिला को थाना कोतवाली क्षेत्र के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। माया देवी पति देवनंदन का यह आरोप है कि पत्नी का साड़ी का पल्ला खींचा, जिससे वह बाइक से गिर गई। देखिए पीलीभीत से मून प्रकाश देवल की रिपोर्ट। सर मेरा नाम देवनंदन है। सर मैं अमरिया थाने से लौट रहा था। सर रास्ते में पुलिस तीन पुलिस वालों ने चेक इन के दौरान शायद चेक इन कर रहे थे, मुझे ना पता था। पीलीभीत ईदगाह फाटक से पहले वो लोग बैठे थे, मेरी गाड़ी सर स्पीड में, मैं उधर से तेज़ी से आ रहा था सर, शाम का टाइम हो रहा था, और सर अचानक वो आके मेरी गाड़ी को रोकने लगे। सर गाड़ी स्पीड में थी, गाड़ी कंट्रोल ना कर पाया, तो उन्होंने, मैंने कहा रुक रहा हूँ, उससे पहले कि मैं गाड़ी को रोकता उससे पहले सर उन्होंने मेरी पत्नी का साड़ी का पल्लू पकड़ के खींच के गिरा दिया सर। जी सर, सर यहाँ पुलिस वाले ही लेके आए मुझे। सर मेरा नाम देवनंदन। सर मंगला खेड़ा खालसा पट्टी गांव में तालाब जंगल हो गया है। जी हां, यूपी के जौनपुर जिले के खुटहन क्षेत्र के ग्राम पंचायत खालसा पट्टी गांव में तालाब जंगल हो गया है। इस तालाब का सुंदरीकरण नहीं हो रहा है। एक बार भी सही तरीके से सुंदरीकरण हो जाती तो कई वर्ष तक चलता रहता, पशु पक्षी व ग्रामीणों के लिए काफी लाभ होता। जहां राज्य सरकार ग्राम सभा में सफाई कर्मी और प्रधानों को लगाकर सफाई कराने की दावा करती है, वहीं ये पोखरा उनके सफाई की पोल खोल रहा है। राज्य सरकार सफाई पर करोड़ों रुपए गांव में खर्चा करती है, लेकिन प्रधानों की अनदेखी में गांव की सफाई नहीं हो पाती है। तालाब जंगल में तब्दील हो गया है। ग्राम प्रधान ने कहा तालाब पैसा लेट पास हुआ है और बारिश के कारण तालाब में पानी आ गया है, जिससे सफाई नहीं हो सकती। देखिए खुटहन से शिवसेंद्र यादव की रिपोर्ट। सर पोखरा है, कब से बना हुआ है लगभग? ये पोखरा मतलब तालाब कब से बना हुआ है लगभग? तालाब बहुत दिन से है, मतलब हम लोग को पता नहीं है कि मतलब सन 64 पहले से है। तो ये इसमें खुदाई उदाई का कार्य? इसमें कभी खुदाई उदाई का कार्य नहीं हुआ है। हुआ इस साल जो है प्रधान जी इसका बंधा डला रहे थे, दो तीन दिन कार्य चला, उसके बाद पता नहीं बंद कर दिए। तो बहुत अच्छा है गांव के लिए भाई। अरे गांव के लिए अगर बन जाता पोखरा खुदाई हो जाएगा, इसका सुंदरीकरण अगर हो जाता है तो गांव का अच्छा होगा, गांव का सबको लाभ होगा। क्या नाम है आपका? प्रेमचंद यादव। किस गाँव का तालाब है? खालसा पट्टी। जनप्रिय लोक नायक आलोक भूषण त्रिपाठी। जी हां, यूपी के प्रयागराज जिले के थरवई थाना क्षेत्र में आज आलोक कुलभूषण त्रिपाठी भाजपा मंडल अध्यक्ष थरवई के एक मीटिंग में आए थे, जहां उनसे बातचीत कर उनके क्षेत्र में कोरोना महामारी को देखते हुए क्या क्या लोगों को दे सुविधा प्रदान किए हैं और कुछ अपने राजनीतिक कैरियर के बारे में भी बताया। जनप्रिय लोक नायक आलोक भूषण त्रिपाठी प्रयागराज जिले के अंतर्गत मऊ आईमा ग्रामीण क्षेत्र मंडल अध्यक्ष
आलोक भूषण त्रिपाठी 22 मार्च लॉकडाउन शुरू होने से अभी तक अपनी पूरी टीम के साथ लोगों की मदद कर रहे हैं और निकल पड़े हैं जमीन पर प्रवासी मजदूरों के आने पर उनके भोजन की व्यवस्था, पैरों में चप्पल की व्यवस्था, सैनिटाइजर, मास्क और डिस्टेंसिंग के लिए पालन करवाते हुए तन मन धन से पूरे मऊ आईमा मंडल ग्रामीण क्षेत्र में घर घर जाकर के सबको जागरूक किया। देखिए थरवई से अमरेश कुमार की रिपोर्ट। सर, आप इतनी बड़ी पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, आपके काम को देख करके क्या पार्टी और आगे अच्छे पद के लिए आपकी उम्मीदवारी कुछ निश्चित करेगी, ऐसा कुछ आपको मिलता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पद के लालच के लिए और टिकट के लिए कोई काम नहीं करता है। ज़्यादातर आपको यहाँ पर जो समर्पित कार्यकर्ता मिलता है, जो जिम्मेदारी मिल जाती है उसका निर्वहन करते हैं। अब मुझे गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक समर्पित सिपाही हूँ। संगठन जो भी जिम्मेदारी देगा, मैं अपने जीवन का पूर्णतः समय लगा के ईमानदारी से निष्ठापूर्वक उसकी जो है उस पर काम करूँगा। अभी तक आपने क्षेत्र में कैसा काम किए हैं, क्या किए हैं, कुछ विवरण देंगे, कुछ बताइए ताकि लाइव हो सके और लोगों के पास पहुंचे आपकी बात। निश्चित तौर पर ही देखिए, जो आप कार्य करते हैं अगर वह संदेश समाज में जाता है तो लोगों के अंदर भी काम करने की प्रेरणा आती है। और निश्चित तौर पर ही भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे अच्छे कार्यकर्ता हैं। मैं पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ। संगठन का जो भी कार्य आता है मैं उसको समय से पहले करके देता हूँ और समाज में जुड़ के गांव गली मोहल्ले में बैठ के लोगों की समस्या का समाधान करना, उनकी जो भी समस्या रहती है उसके लिए संघर्ष करना, लड़ाई लड़ना, न्याय के लिए न्याय पक्ष में सदैव में खड़ा मिलता हूँ। ये कोरोना की महामारी में आपने अपने क्षेत्र में अपनी जनता के लिए, सर इस कोरोना के दौरान कोरोना के माहौल में आपने जो भी कार्य किया है, जहाँ जहाँ भी गए हैं, जो संदेश आपने जनता को दिया है, वो सारी चीज़ आप एकदम विस्तृत रूप से और थोड़े समय में बताएं। देखिए, पिछले 5.5 महीना से देश के ऊपर इतनी बड़ी महामारी आई हुई है। इस महामारी में मैं एक दिन भी निश्चिंत होकर घर पर नहीं बैठा हूँ, क्योंकि समाज में जो समस्या है, लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए दिन रात हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे उप मुख्यमंत्री जी चिंता करते हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी करते हैं। तो इसी कड़ी में मैं भी दिन रात मेहनत करके जो भी सेवा हो सकती है मैं करता हूँ। पिछले 5.5 महीने से जब से यह कोरोना का दौर शुरू हुआ, 22 मार्च से शुरू हुआ, तो उत्साहवर्धन के लिए जो थाली से शुरू हुआ, थाली तक चला, दीप प्रज्वलन का भी कार्य किया गया, उस बीच में गांव-गांव में जाके लोगों को मास्क बांटा हूँ और जो भी प्रवासी मजदूर आ रहे थे ऐसे 1,45,000 लोगों को भोजन वितरण करने का काम किया हूँ और 80,000 मास्क वितरण किया हूँ। वह चाहे प्रवासी रहे हों, गांव-गांव जाके जो वंचित लोग हैं उनके यहाँ राशन का पैकेट बनवाया था, संगठन से कुछ भी मिला था, कुछ अपने पास से करके सैनिटाइजर, सारी व्यवस्था, चरण पादुका की व्यवस्था, जो पैदल यात्री जा रहे थे, मैं पर डे शिविर लगा के यहीं ददोली हाईवे पड़ता है उस पर लोगों को भोजन वितरण करता था और अपनी टीम के साथ, मेरी पूरी टीम तन्मयता से, ईमानदारी से, निष्ठापूर्वक दिन रात मेहनत करके समाज के प्रति हमने काम किया है। हमारा यही उद्देश्य था मऊआईमा ग्रामीण से कोई भी भूखा ना जाए, कोई भी परेशान होके ना जाए, उनके भोजन जल की व्यवस्था सारी में बहुत मेहनत से मैंने। सर, एक प्रश्न हो रहा है आपके साथ, एक मंडल अध्यक्ष का क्या कार्य होता है आपकी पार्टी में, कुछ इसके थोड़ा सा एक बात। देखिए, मंडल अध्यक्ष का जो दायित्व होता है एक ब्लॉक स्तर पे होता है जी। तो इस मंडल माने ब्लॉक, हमारे यहाँ को मंडल बोलते हैं, मंडल में आपकी टीम की संरचना होती है, मंडल पदाधिकारी, सेक्टर संयोजक, मंडल प्रभारी आपके होते हैं, बूथ अध्यक्ष हमारा है, उनके साथ मिलकर संगठन को अपने मंडल में मजबूत करना है। जो भी मंडल के अंतर्गत आपके ग्राम सभा आती हैं, जो भी जनमानस है उनकी, उनके प्रति सेवा संगठन का काम करना है, समाज की समस्याओं का निदान करना है, उनके हर संघर्ष में सुख दुख में खड़े होकर आपको काम करने की जरूरत है, वह मैं एकदम निष्ठापूर्वक कर रहा हूँ। ठीक है भाई साहब, एक प्रश्न हो रहा है आपको सर, आखिरी सवाल, आपको जनता चुनती है किसी अच्छे पद के लिए, तो आप उनके लिए कैसा काम करेंगे, क्या आप अपनी जनता के लिए करना चाहते हैं, आपकी मन में क्या है? देखिए, प्रतिनिधि और संगठन के कार्यकर्ता एक दो पहलू हैं जी।
संगठन का कार्यकर्ता निस्वार्थ सेवा करता रहता है, लेकिन वही से अगर जनता और संगठन की मांग पर आपको टिकट मिलता है, कोई भी होता है, आप प्रतिनिधि होते हैं, तो आपका उद्देश्य होना चाहिए जिस उद्देश्य के लिए जनता ने आपको वोट दिया है, आप उनकी सेवा करिए, उनके उम्मीदों पर खरा उतरिए, उनसे जुड़कर गांव गली मोहल्ले में बैठकर उनकी समस्या का समाधान कराइए। एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो कि आपके कार्यपण आपकी आलोचना करे, आपके ऊपर उंगली उठाए, हमारा यही उद्देश्य होता है। और कभी जीवन में हम मौका मिला तो शायद मेरा पहला कार्यालय भारत में होगा जो बिना गेट का होगा। लोग एक समय सुनिश्चित करते हैं, लेकिन आलोक भूषण त्रिपाठी के कोरोना से ग्रसित मरीज अस्पताल में भूख हड़ताल पर। जी हां, यूपी के जनपद कासगंज थाना कासगंज के नगर में सरकारी जिला चिकित्सालय मामो कोरोना सेंटर में कल की तरह कोरोना ग्रसित मरीज बैठे भूख हड़ताल पर। मरीजों का कहना है कि रूखी सूखी रोटी खाने से अच्छा है हम भूखे ही रहे। इसी कड़ी में कल कलावती संस्थान गोरहा में सूचना मिली कि भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं मरीज, तो आनंद फानन में आलाधिकारी कलावती संस्थान कोरोना सेंटर में कूच कर गए। वहां तो हालत सुधरते नजर आए, मगर आज सामुदायिक जिला चिकित्सालय कोरोना सेंटर में फिर भी मरीज खाने की शिकायत को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गए। अब देखना यह है कि सरकार के अनुसार अच्छा खाना इन मरीजों को मिल पाता है या नहीं, या फिर कागजों में ही खाना पूर्ति होती रहेगी। वीडियो में कोरोना सेंटर में क्या चल रहा है, आइए दिखाते हैं आपको कासगंज से संजय सिंह की रिपोर्ट। आज फिर जिला अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना मरीजों ने फिर से खाना सही तरीके से न मिलने पर धरना दिया। खबरों का सिलसिला लगातार बरकरार रहेगा और आप बने रहिएगा फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।